वहीं कांग्रेस ने अपना वचन पत्र जारी किया है। 28 विधानसभा सीटों को लेकर अलग अलग वचन पत्र जारी किया गया है। इसको लेकर अब गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने निशाना साधा। कांग्रेस के 28 सीटों में जारी वचन पत्र पर उन्होंने कहा कि वचन पत्र नहीं, कांग्रेस ने कपट पत्र जारी किया है। झूठे वचन पत्र जारी करके कांग्रेस वोट मांगती है। वचन पत्र नहीं, वो कपट पत्र। अभी विधानसभाओं को जारी करें बाढ़ चुनाव में, फिर ये बाढ़ों को जारी करेंगे, फिर मोहल्ले का, फिर बस्ती का, फिर घर तक आएंगे ये, क्योंकि इनको मालूम है कि जो